Just chill. ऐसे थोड़ी उड़ती है धार, नीचे उतारो इसको, नीचे उतारो इसको। इस तरीके से थोड़ी उड़ती है धार, इसे धार उड़ाना थोड़ी कहते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि धार किस तरीके से उड़ेगी। धार को उड़ाने से पहले पब्लिक की डिमांड है इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया जाए। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट? हाँ, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। हाँ विक्रम। हाँ भाई। लोग थार को मॉडिफाई कराते हैं। हाँ कराते हैं। लोग थार को बर्फ में लेके जाते हैं। लेके जाते हैं। लोग थार को रानी बना के रखते हैं। सही बात है। लेकिन क्या किसी ने आज तक? पागल है क्या यार, ऐसा मत किया कर, प्लीज ऐसा मत किया कर। हाँ तो कहा था मैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, क्या किसी ने आज तक थार का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया है? नहीं। तो फिर ये जिम्मेदारी हम उठाते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम करते हैं थार का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। लौंडे तैयार? तैयार होने सब तैयार। ऑलराइट गाइस, तैयार। ये हमारी बिल्कुल नई नवेली थार और इस साइड के अंदर है पूरी 2 फीट गहरी खाई। तो देखना ये है कि जब हम इस थार को यहाँ से नीचे गिराएंगे तो उसके बाद में ये जो थार है वो थार को नीचे गिराना नहीं है, अभी खाली ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है। तो ये स्क्रिप्ट किसकी है? किसी और वीडियो की है। तो पहले नहीं बता सकते क्या तुम? जल्दी वहां से हटो, निकल इसका। पागल है क्या यार ये लोग, ऐसे कौन गेट बंद करता है? गाइस आपको भी बुरा लगता है ना जब आपकी गाड़ी के अंदर कोई इस तरीके से गेट बंद करता है, ऐसे देखो, ऐसे करके बुरा लगता है ना? तो चलो पहले गेट का ही ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। गाइस गेट को ऐसे बंद किया जाता है ना कि ऐसे। अब समझ में आया गेट कैसे बंद करते हैं? कैसे? समझ में आया गेट कैसे बंद करते हैं? अबे साले। वैसे गाइस यार गेट तो इसके बड़े मजबूत है, हाँ इतना टेस्ट किया उसके बावजूद भी तो गेट तो पास हो गए गाइस। गाइस सीट चेक करते हैं यार। पास, सीट इस टेस्ट के अंदर पास हो गई है। स्टीयरिंग टेस्ट करते हैं, हैंड ब्रेक टेस्ट करते हैं। बहुत मजबूत है ये भी, मजबूत है यार, थार बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बनाई है। भैया ये तमाशा हो गया था, मड टेस्ट भी कर लेते हैं इसका। मड टेस्ट करें? हाँ चल हट निकल, फिर मड टेस्ट करते हैं। Flashback. तो अब होगा थार का ऑफ रोडिंग टेस्ट। गाइस लेट्स सी कि चढ़ पाती है फिर नहीं। प्रबल आगे। Keep it up.
गाइस यार यहाँ पे जो है ये क्या हो गया है मुझे नहीं पता, बाकी आप देख सकते हैं कि मैं आपको गाड़ी आगे से दिखाता हूँ। हाँ भाई बलवीर जी, तो गाइस यार अब ऑफ रोड टेस्ट किया है हमने और आप देख सकते हो। ओ भाई ये बोनेट को क्या हो गया गाइस, ये लगता है बीमार हो गया विक्रम थोड़ा। अच्छा तो यहाँ से थोड़ी सी टायर फूट गया क्या? तो गाइस यार यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टायर थोड़ा सा फूट गया है, ये देखो। अब पता नहीं इसको क्या हो गया, बीमार हो गया, बुखार आ गई टायर को, इसको आई फ्लू हो गया। आई फ्लू हो गया तो गाइस यार वैसे तो पास होगी इस टेस्ट के अंदर, लेकिन सरप्राइज गाइस सरप्राइज। डैक्स टूटी क्या? टूटा नहीं नहीं, टायर तो ये यहाँ से भागा हो गया है, इसको रिपेयर करते हैं और फिर से टेस्टिंग शुरू करते हैं। गाइज ये जो है पहली बार खुल रहे हैं, लेकिन ये टायर चेंज करने के लिए नहीं, मतलब चेंज करे अब फट गया तो इसका क्या करेगा अब। बाकी अपन ने खड़ी गाड़ी में तो टेस्ट कर लिया स्टेयरिंग, चलती हुई गाड़ी में स्टेयरिंग टेस्ट नहीं किया अभी, कैसे मतलब कितनी दूर है। हाँ चलती हुई गाड़ी में करेगा गाइज यार दिल थाम के बैठना, हो सकता है कि आपके यहाँ पे दर्द उठे। देखते हैं कि थार का पैंट और बॉडी कितनी ड्यूरेबल है। सामने काटी काट है। लो पूरी गाड़ी के स्क्रैच आ गए, ये लो अब पक्का नहीं निकलेगी। निकल जाएगी? नहीं निकल ही नहीं सकती। ए भगवान ऐसे गाड़ी कौन चलाता है? हम चलाते हैं ना भाई। गाइस आपको क्या लगता है क्या गाड़ी यहाँ से चली जाएगी? अभी देखते हैं। अंधे भाई रिटेक चलो। अरे जल्दी लाओ जल्दी लाओ, स्टेथोस्कोप लाओ मेरा जल्दी लाओ, कोट लाओ, गाड़ी बेहोश होगी, जल्दी लाओ फेनो चेक करते हैं, जल्दी लाओ ग्लव्स ग्लव्स ग्लव्स, इसको पकड़ो जल्दी पकड़ो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रहे हो, इसको दूर रहो दूर रहो, इसको सांस लें दो सांस लें दो। Sorry guys, car is no more.
छाती दबाओ, इसकी छाती दबाओ, मैं चेक कर लूं, छाती दबाओ दबाओ, देख देख भाई यही धड़कन है हालत नाजुक है, लेकिन जान बच जाएगी। चेक करवा दो। हाँ चेक करवा दो, अच्छे डॉक्टर को दिखाना। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, 500 की रफ्तार से दिल धड़क रहा है। गाइस अंदर इलाज चल रहा है, बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ गाड़ी खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है, बिल्कुल टेंशन, खतरे से बाहर है। वो लाल बल्ब बंद हो गया, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन बंद हो गया। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ने बोला छुट्टी कब देंगे, बस छुट्टी कब देंगे, थोड़ी देर में पट्टी वट्टी करके छुट्टी दे देंगे। तू बंद करने का गाइस यार, अभी जो हमारी गाड़ी है बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसे डिस्चार्ज भी मिल चुका है। ठीक होगी, चलो हां बिल्कुल ठीक होगी, चलो चलो। अबे अभी तो हॉस्पिटल से आई है, तो अभी ठीक हो गया। चलो चलो एक कॉल जल्दी, एक कॉल। अबे जगह तो दे, कहां बैठे हो, जल्दी चलो चलो जाओ। अबे पागल है क्या? तो गाइस यार कौन कहता है कि थार के अंदर सिर्फ चार ही लोग बैठ सकते हैं? ओए बाहर निकलो, बाहर निकल, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सात आठ नौ। अबे तू भी था क्या इसके अंदर? ये भी था गाइस इसके अंदर। तो गाइस यार 10 जने जो है थार के अंदर बैठ सकते हैं, और एक मैं, कौन कहता है कि चार, थार के अंदर 11 जने आराम से बैठ सकते हैं। विक्रम अपनी थार इस वाले पानी के अंदर चल जाएगी क्या? पता नहीं, पता नहीं, वेट पता करते हैं। तो गाइस यार ये जो लेक है अभी बहुत ज्यादा भर गई है, पिछली जो वीडियोस थी उससे कई गुना ज्यादा पानी अभी इसके अंदर है। भाई और पीछे से उड़ गई गाड़ी, पीछे से उड़ गई, पीछे से। अबे 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 कार नीचे उतार, अपना निकलना भारी हो जाएगा। ओए अबे तो पीछे से उड़ गई, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, पकड़। अरे जल्दी आ बारा। गाइस जो है कुछ ज्यादा गहराई में आ गई है, इससे पहले कि मोटा भी अंदर से डूब जाए मैं बाहर निकल। ओ आ जा, आ जा। अबे क्या कर रहा है, मरेगा क्या? अभी अभी तो हॉस्पिटल से आई थी, देखो छाती तक पानी भर गया, ये देखो गाइस छाती तक पानी भर गया। अब मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं, मैं क्या मर जाऊं? इसको सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, इसको धक्का दो, इसको इसका गाइस इसका जो मुंह है वो अंदर धस चुका है, इसको सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही, इसको ग्लूकोज चढ़ाया था, इसको ऑपरेशन भी कराया था। बाहर निकालो, मैं डॉक्टर ने कहा था थोड़ी दिन रेस्ट करने को, तो तुम मानते ही नहीं, रेस्ट करने कहा देते बेचारे हो। गाइस हेल्प आ गई, हेल्प हेल्प हेल्प। जान बच गई, जान बच गई इसकी, इसकी जान बच गई। वेलकम टू द हाउस जाने। ये थार के झरने कभी देखे? थार के झरने, ये थार के झरने, इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे, उधर वाला दिखाओ झरना इनको। अब गाइस हमें नहीं पता कि ये बेहोश हुई है या इस बार इसका दम घुट के मौत होगी, मुझे नहीं पता, वो चेक करना पड़ेगा, अभी करेंगे चेक। चलो चलो स्टार्ट करो, 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 एक बार हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। अरे बस दे दी, कितनी सांस दोगे? एक बार चेक करो, स्टार्ट करो, CO2 पॉइजनिंग हो जाएगी इसको। ओ मीटर चल गया, मीटर में आ गई लाइट, मीटर चल गया, इंजन इंजन का साइन आ रहा है, ताले का, बहुत सारे साइन आ रहे हैं इसमें, तो पता नहीं क्या क्या साइन आ रहे हैं। स्टार्ट करके देखते रहो, सामने से हट जाओ, आगे भाग जाएगी। गाइस यार माफी चाहूंगा, हमें इस टेस्ट को यहीं पे रोकना पड़ेगा, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट
टाइटेनियम आर्मी के लेवल का नहीं था तो आपके पास वक्त है, क्योंकि अभी जो हमारी कार है, जो थार है, अभी वो कोमा के अंदर है, तो अभी उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो जब तक वो कोमा से बाहर आती है तब तक के लिए आपके पास टाइम है। अगर आपको लगता है कि टाइटेनियम आर्मी के लेवल का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं था तो नीचे कमेंट करके बताना। आपको पता है ना, आपका भाई जो भी कहता है वो करके दिखाता है, तो नीचे कमेंट करो दबा के जब तक ये कोमा से बाहर आती है तब तक। और जो जो आप कमेंट करेंगे, जिस तरीके से आप चीजें करेंगे उसी हिसाब से जो पार्ट टू है वो आएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में या फिर पार्ट टू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, चलो।